व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज निकुंज एंड वेलकम टू ड्रीम्स होम कुकिंग। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो जूस। बाजार में जो फ्रूटी स्लाइस मिलती है ना, वैसे ही सेम टेस्ट वाला हम लोग मैंगो जूस बनाएंगे। तो चलो फिर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंगो जूस बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 पके हुए मीठे आम। आप अपनी पसंद का कोई भी मीठा आम ले सकते हो। और 1 कच्चा आम भी मैं ले रहा हूँ। यानी मैंगो जूस बनाने के लिए जो रेशियो रहेगा वो 2:1 का रहेगा, यानी 2 पके हुए आम और 1 कच्चा आम। तो चलिए फ्रेंड्स, आम को सबसे पहले कट करके उसे अच्छे से छील लेंगे। और कच्चे आम को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और पके हुए आम को भी कट करके उसके छिलके निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे रेडी कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे पके हुए आम को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लिया है और हमारे कच्चे आम भी कट करके रेडी ही है। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पानी। करीबन 1.5 लीटर पानी हमको ऐड करना है। पानी के अंदर हम डाल देंगे ये रो मैंगो। मेक श्योर कि रो मैंगो थोड़े खट्टे हो और उसी के साथ हम लोगों ने कट किए हुए ये पके हुए आम भी उसमें डाल देंगे। उसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा पानी हीट अप हो जाए तब हम उसमें करीबन 1 कप चीनी डालेंगे। और चीनी की क्वांटिटी आपके आम कितने मीठे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक बार वापस उसे अच्छे से चला लेंगे और करीबन 5 या 6 मिनट उसे अच्छे से पका लेने के बाद अब हम उसमें डालेंगे सिरका, यानी कि व्हाइट विनेगर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, उससे उसकी सेल्फ लाइफ यानी कि आप उसे 20 या 25 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। हमारे आम कुक होके एकदम अच्छे से मैसी हो गए हैं, तो उस स्टेज पे उसे ठंडा करके न्यूट्रीब्लेंड में अच्छे से पीस लेंगे। तो ये लीजिए, न्यूट्रीब्लेंड में हमने उसे अच्छे से पीस लिया है। तो उसी स्टेज पे हम उसे छान लेंगे, जिससे कि उसमें जो रेशे होंगे वो छन के निकल जाएंगे। हमारा मैंगो जूस का पल्प बनके रेडी है। तो ना उसे आइस क्यूब के ऊपर पोर करके चिल्ड वाटर में उसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़े फुदीने के पत्ते फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए, और आप तुरंत बना के पीने वाले हो तो ही मैंगो जूस में फुदीने के पत्ते ऐड कीजिएगा, नहीं तो बाद में मैंगो जूस में फुदीने के पत्ते का टेस्ट चला जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। डिटेल्स रेसिपी बारीकियों के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट। और मैंगो जूस में हम लोगों ने व्हाइट विनेगर ऐड किया है, इस वजह से मैंगो जूस को हम लोग 20 या 25 दिन तक आराम से फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा मैंगो जूस बनके रेडी है। और बाजार में जो फ्रूटी स्लाइस मिलती है ना, वैसा ही सेम टेस्ट आएगा। तो आप लोग मेरे स्टाइल में मैंगो जूस जरूर से बनाएगा। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, धन्यवाद।